हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सौरभ खान फ्रॉम यूनाइटेड स्टडीज अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हमारे साथ सौरभ हैं जो जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। हम सौरभ से जानेंगे कि जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसा है, ओवरऑल किर्गिस्तान कैसा है, जलालाबाद की पढ़ाई, मैस, हॉस्टल फैसिलिटी, सारा चीज़ कैसा है। तो हम सौरभ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं किर्गिस्तान, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। हेलो सौरभ। हेलो सर, आई एम सौरभ हजारे फ्रॉम जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं तुमसर से हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके सौरभ, आपका किर्गिस्तान का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, किर्गिस्तान एक बहुत पीसफुल कंट्री है। और वहाँ की पढ़ाई कैसी है, मतलब आप लोग का कॉलेज का शेड्यूल कैसा है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं? कॉलेज 8 बजे से शुरू होके 4 बजे तक के रहता है और फर्स्ट टू सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, और जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह रहते हैं। और वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा है, मतलब गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल अलग अलग है या कैसा है, आप बताएं। हाँ सर, अलग अलग है। बेसिकली बॉयज़ का हॉस्टल कैंपस में ही है और गर्ल्स के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, उनके सेफ्टी के लिए अच्छा है। वो लोग ट्रैवलिंग हाँ, कैसे करते वो हैं, गर्ल्स हॉस्टल वाले, गर्ल्स कॉलेज स्टूडेंट की है बस है सर। जो वहाँ पर। फूड फैसिलिटी है मेस का, आप लोग खुद बनाते हैं या मेस सिस्टम अवेलेबल है वहाँ पर? सब मेस देखा जाए तो बहुत अच्छा है जलालाबाद का, बट देखा जाए तो फर्स्ट टू सेकंड ईयर को मेस कंपलसरी है। ठीक है। आफ्टर 3rd ईयर से अपन खुद से बना सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि मेस गुड है वहाँ का, यानी लगा सकते हैं हम 3rd ईयर के बाद में भी। वेज नॉन वेज सारा चीज मिल रहा हाँ है, हाँ जिसको जैसा खाना जैसा है वो खाना है खा वैसा सकते खाएगा। हैं। हाँ अच्छी बात है। जैसे आप लोग ट्रैवलिंग करते होंगे, हाँ मतलब कैंपस के बाहर आप लोग कभी जाते होंगे, तो किस टाइप की फैसिलिटी है और क्या बहुत एक्सपेंसिव है वहां पर कुछ परचेज करना नहीं या फिर सर, ट्रैवलिंग? नहीं अब तो जैसा है, जैसा लोकल बस में जाए तो कम चीप लगता है, माशूद का बोलते जनरली वहाँ, और अपना खुद से टैक्सी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा फेयर उसके ज़्यादा है। और आपके यूनिवर्सिटी में गर्ल्स स्टूडेंट्स कितने होंगे, और मैं जानना चाहूंगा गर्ल्स स्टूडेंट की सेफ्टी के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गर्ल्स देखा जाए तो 25 से 30% है, और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है तो कोई उनकी सेफ्टी अलग डिपार्टमेंट करता है। नहीं आप लोग को हॉस्पिटल विजिट्स कराया जाता है ताकि आप पेशेंट इंटरेक्ट वगैरह करें, तो हॉस्पिटल में विजिट्स होते हैं आपके? हाँ, 2nd ईयर से हो जाता है, और वो कॉलेज बस है उसी से वो हमको लेके जाते हैं, फिर हमको विजिट वगैरह दिखाते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं जो कॉलेज के अंडर में है, वहाँ हमको लेके जाते हैं। और मेरे को बताइए कि वहाँ जो सीनियर्स हैं उनसे कभी आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, या बहुत हेल्पिंग है, या कभी आपको रैगिंग वगैरह इस टाइप का वहाँ सुनने बिल्कुल मिला है भी नहीं क्या? सर, बिल्कुल भी नहीं। सीनियर्स इतने अच्छे हैं कि हम जब 1st ईयर में गए थे हमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वो सपोर्टिव है हमको, यानी मार्केट ले गए थे हमको, शॉपिंग कराए, और अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो जूनियर आ रहे हैं उनको हम हेल्प करें। और वहाँ पर एक आप लोग जैसे फीडबैक बहुत अच्छा है कि वहाँ पर इंडियन फेस्टिवल्स काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हाँ, हैं, तो उसके बहुत बारे में बताइए हमें। हर फेस्टिवल बना जाता है हमारी यूनिवर्सिटी से, जैसे हम महाराष्ट्रीयन है तो हमारा मकर संक्रांति भी वहाँ बनाया जाता है, साथ में पोंगल भी है जो साउथ वालों का है, और दीपावली, होली, दीपावली वगैरह होली का दीवा सेलिब्रेशन हुआ था। दीपावली सब बना जाता है, और कॉलेज में एंड स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कुछ है। अच्छा, और कुछ स्कॉलरशिप स्कीम वगैरह चलती हैं जलालाबाद हाँ, में? स्कॉलरशिप्स इन अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू कल्चरल, अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स, सभी तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, यानी जो अच्छा उसका बिहेवियर उसको भी स्कॉलरशिप मिलती है जलालाबाद में। अच्छी बात है। सौरभ मुझे बताइए, देखिए जैसे आपका यहाँ से सारा प्रोसेस हमने किया था, फिर दिल्ली से आपकी फ्लाइट थी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, हाँ तो पेरेंट्स का एक डाउट रहता है कि वहाँ रिसीव करने कौन आता है, क्योंकि यहाँ तक तो हम टेक केयर करते हैं, दिल्ली हम टेक केयर करते हैं, ठीक है, बहुत बार अगर समय रहता तो हम लोग भी बैचेस के साथ जाते हैं, बट जैसे अगर सपोज हमको समय नहीं मिलता तो वहाँ पर किस टाइप का अरेंजमेंट जो हम लोग ने बताया वैसा होता है, आप हाँ बताइए। होता है ना, कॉलेज के ऑफिशियल मेंबर आते हैं हमको लेने के लिए, पिक करने के लिए, फिर हमको लेके एयरपोर्ट से लेके जाने के बाद हॉस्टल्स प्रोवाइड करते, अपने को जिसके साथ रहना है वो प्रोवाइड करते, फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम पहुँचते हैं तो फिर हॉस्टल यानी पूरा हॉस्टल, यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह दिखाते हैं, और वो सब जो दिखाते हैं। बाकी के फॉर्मेलिटीज़ है वो हमको नेक्स्ट दिन पूरी करनी पड़ती। तो आप नए स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे जलालाबाद हाँ, यूनिवर्सिटी के मैं लिए? एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मीन्स इंडियन टीचर्स प्रोवाइड की जाती है वहाँ,
और हॉस्टल फूड सारा सेफ कंट्री है। हाँ सेफ कंट्री है। अच्छी बात है। मैं सौरभ को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जलालाबाद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और किर्गिस्तान के बारे में। तो जिस भी स्टूडेंट्स को कुछ और डाउट रहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सौरभ से भी बात कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के वीडियो मैं आपसे और शेयर करता रहूँगा।